मैं देख रहा हूं ये आंधी है। एनडीए सरकार 400 पार। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में पीएम मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। न्यूज 18 पोल हब के आंकड़े सामने आ चुके हैं। एनडीए को 355 से 370 सीट मिलने का अनुमान है। बीजेपी को अकेले 305 से 315 सीट मिल सकती है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 62 से 72 सीट मिलने का अनुमान है। इंडिया अलायंस को 125 से 140 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य की बात करें तो 42 से 52 सीट इनको मिल सकती है। बीजेपी गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में भारी जीत दर्ज कर सकती है। तो इसके अलावे आंकड़े हम बताते हैं तो लोकसभा चुनाव को लेकर के न्यूज 18 पोल का जो है 543 सीटों का है वो आंकड़ा क्या कहता है। तो देखिए, बीजेपी को 305 से 315 सीटें मिल सकती है अनुमान है। इसके बाद से एनडीए को 355 से 370, यानी कि बीजेपी को अकेले 305 से 315 और एनडीए की बात करें, पूरे गठबंधन की अगर बात करें तो 355 से आंकड़ा 370 तक का जा रहा है, ये अनुमानित आंकड़ा है। इंडिया अलायंस की अगर बात करते हैं तो इंडिया अलायंस को 125 से 140 सीट जो है वो मिलने का अनुमान इस एग्जिट पोल में बताया गया है। इसके साथ साथ सिर्फ कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का आंकड़ा ये कहता है कि कांग्रेस को इस बार 62 से 72 सीटें जो है वो मिल सकती है। यानी कि जो ये आंकड़ा है वो आंकड़ा बता रहा है कि एक बार फिर से मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तीसरा जो टर्म है एक बार फिर से एनडीए सरकार की होने वाली है। तो बीजेपी 305 से 315, एनडीए 355 से 370 सीट मिलने का अनुमान। वहीं इंडी गठबंधन की बात करें तो 125 से 140 सीट। और इसके बाद से बात करते हैं बिहार की। बिहार का जो आंकड़ा है वो क्या कहता है तो देखिए, बिहार में 40 सीटें हैं और बिहार की 40 सीटों का मेगा जो एग्जिट पोल है वो क्या बता रहा है, इस आंकड़े को समझेंगे। तो बीजेपी को 13 से 16 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। एनडीए की बात करें तो 31 से 34 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन पिछले बार की बात करें तो 39 सीटों पर जीत एनडीए ने दर्ज किया था, लेकिन इस बार थोड़ा हेर फेर होने की संभावना है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को शून्य से सिर्फ एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है और ये आंकड़े अनुमानित है। तो इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो 6 से 9 सीट इस बार इंडी गठबंधन जो है ला सकता है, ये आंकड़े बता रहे हैं। उसके बाद से अदर्स की अगर बात करें तो अदर्स के खाते में शून्य सीटें हैं, यानी कि ये जो आंकड़ा है वो बिहार की 40 सीटों का है। तो बिहार की इन 40 सीटों पर अपने अपने दावे जो हैं एनडीए की तरफ से भी किए जाते रहे, ये दावे जो हैं वो इंडिया अलायंस की तरफ से किए जाते रहे। तो एक बार फिर से ये पूरे स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं बिहार का हाल क्या है। तो एनडीए को 31 से 34 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं इंडी अलायंस की अगर बात करें तो 6 से 9 सीटें इनको मिल सकती है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को सिर्फ 0 से 1 सीटें मिलने की संभावना है। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि जो इंडी अलायंस में बाकी जो घटक दल हैं कांग्रेस को छोड़ करके, चाहे वो आरजेडी हो, और उनको थोड़ा फायदा इसमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आंकड़ा है और इस आंकड़े से शायद आरजेडी को भी थोड़ी राहत मिलनी होगी, क्योंकि आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी के पास अभी कोई सांसद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस बार संभावनाएं उनके लिए बन रही हो। तो बिहार की 40 की 40 सीटों का आंकड़ा है जो बता रहा है कि एनडीए को 31 से 34 सीट मिलने का अनुमान है। और ये न्यूज 18 पोल हब के आंकड़े हैं। अलग अलग एजेंसियों ने अपने अपने सर्वे के जरिए आंकड़े जारी किए हैं, लेकिन ये हमारा न्यूज 18 पोल हब का आंकड़ा बता रहा है। और ये आंकड़ा बता रहा है कि बिहार में इंडी अलायंस को 6 से 9 सीटें इस बार मिल सकती हैं। तो ये आंकड़े हैं बिहार के लिए। हालांकि ओवरऑल अगर बात करें पूरे देश की जो 543 सीटों की, तो 543 सीटों का जो आंकड़ा है वो ये कह रहा है कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई इंडी अलायंस को नजर आ रही है, और कई ऐसे सीटें हैं जहां पर चौंकाने वाले जो परिणाम है वो सामने आता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं बिहार के बाद से झारखंड की। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं और इस बार 9 से 12 सीट जो है वो बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि एनडीए को 9 से 12 सीटें इस बार
मिल सकती है इसका अनुमान है। और वहीं इंडी अलायंस की अगर बात करें तो 2 से 5 सीट जो है वो मिलने का अनुमान है। 2019 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहां पर 12 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में थी, जिसमें 11 सीटें बीजेपी के पास, 1 सीट जो है आसू के पास थी। और इस बार जो है ये आंकड़ा बता रहा है कि 9 से 12 सीट जो है वो बीजेपी या एनडीए दोनों के पास जो है वो रह सकती है, और इंडी अलायंस को 2 से 5 सीटें जो है वो झारखंड में मिल सकती है। तो ये झारखंड का 14 सीटों का हाल है। हालांकि इस एग्जिट पोल को लेकर के प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आई, और कांग्रेस की तरफ से इसको कई दफे नकारा भी जा रहा है। और जब एग्जिट पोल आने वाले थे उससे पहले ही कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि वो डिबेट में भाग नहीं लेंगे, ये चीजें सामने आती रही। लेकिन इन सब के बावजूद डिबेट में उनके प्रवक्ता शामिल हुए, और अब इस एग्जिट पोल की तस्वीर देखने के बाद से कई सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। एनडीए खेमे की अगर बात करें तो एनडीए खेमे में उत्साह भी जो नजर है वो आ रहा है, और एनडीए खेमे ये मान रहा है कि जो 400 पार का हम नारा दे रहे थे उसके करीब करीब हम नजर आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी कह सकते हैं कि संकेत है। और चलिए उसके बाद से बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश का हाल क्या है। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश ये बता रहा है कि किस तरीके से, और कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर के निकलता है, और इसमें भी काफी ज्यादा सीटें हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में इस बार भी एनडीए सब पर भारी पड़ती दिख रही है। एग्जिट रिजल्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटों हैं उसमें से एनडीए को 68 से 71 सीटें मिल सकती है, यानी कि आंकड़ा ये काफी ज्यादा है। जिसमें अकेले बीजेपी की अगर बात करें तो 64 से 67 सीटें सिर्फ बीजेपी को मिल सकती है, अनुमान है। दूसरी तरफ इंडी अलायंस की बात करें तो इंडी अलायंस के खाते में 9 से 12 सीटें ही सिर्फ आ सकती है, यानी कि भारी पड़ता हुआ एनडीए नजर आ रहा है इंडी अलायंस पर। तो ये आंकड़े हैं। और उसके बाद से देखिए कांग्रेस की क्या स्थिति नजर आती है उत्तर प्रदेश में। वो ये कहता है कि मात्र 3 से 6 जो सीटें हैं वो कांग्रेस को मिल सकती है इन 80 सीटों में। 80 सीटों में अगर कांग्रेस 3 से 6 सीटों पर सिमटती है तो आप समझ सकते हैं कि हालत क्या है। पश्चिम बंगाल आते हैं तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटें हैं जिसमें बीजेपी को 21 से 24 सीट मिल सकती है, यानी कि पश्चिम बंगाल में भी एक कह सकते हैं कि बड़ी उपलब्धि जो है वो एनडीए के लिए मानी जाएंगी, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी का वहां पर प्रभाव है। लेकिन उन सब प्रभाव के बीच लगातार खास करके पश्चिम बंगाल पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार फोकस रहे और चुनावी सभाओं के जरिए भी वहां के वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश करते रहे, और इसका असर भी देखने को मिला है। जहां पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो बीजेपी को 21 से 24 और अदर्स टीएमसी 18 से 21 जो सीटें हैं वो जाने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। तो देखिए एग्जिट पोल में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं, यानी कि मोदी सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद विपक्ष का बुरा हाल है। एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार के अनुमान के बाद बीजेपी और सहयोगी दलों के हौसले बुलंद हैं, तो विपक्ष 4 जून को फाइनल नतीजे की बात दोहरा रहा है। देखिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कर्म योगी जो 140 करोड़ जनता के लिए 24 आवर सेवा के भाव से काम करते रहे, और जो कहे सो उन्होंने किया, मोदी जी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है, और उस विश्वास पर लोगों ने अपना बटन दबाकर कमल को खिला दिया, और अब चौंकाने वाला चौका उनको लगने जा रहा है, बेहोश हो जाएंगे, उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी समाप्त तो होने जा रही है। ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, और 4 जून को जब एग्जैक्ट पोल आएगा तो उसमें इंडिया गठबंधन को 295 से ज्यादा सीटें, 295 प्लस सीटें आएंगी, ये हम आश्वस्त करते हैं। देश के अंदर तैयारी चल रही है, 4 जून को 400 के पार जाएंगे, और हर जगह कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां 4 क्विंटल लड्डू नहीं बटेगा। पूरे देश के अंदर माहौल बन गया है कि आ रहे हैं मोदी, खुशी की लहर दौड़ गई है, और जो विरोधी बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे उन सब का दावा खोखला निकलेगा। एनडीए की बढ़त के बाद चुनाव आयोग पर और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाएगा,
हम सही साबित हुए। बड़े बड़े दावे 295 के या इससे अधिक के किए जा रहे थे, अब सब ईवीएम में दोष निकाला जा रहा है। बिहार की, झारखंड की और समूचे देश के एनडीए की जीत पर बहुत बहुत बधाई। एग्जिट का इंतजार करना, ये तो पर्चा लीक पहले ही था, 5-7 दिन पहले ही से लोग चर्चा कर रहे थे कि एग्जिट पुल इस तरह से लोग परोसेंगे। देश की जनता ने निर्णय लिया है, इंडिया साइनिंग की हाल होगी, माफ करना, लोगों ने वोट दिया है तेजस्वी जी के संकल्प पर, इंडिया गठबंधन के संकल्प पर। तो एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल की अनुमान से विपक्ष का बुरा हाल है। विपक्ष का कहना है कि अनुमान और परिणाम में फर्क होता है, तो बीजेपी का कहना है कि बिहार में एनडीए बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। परिणाम में फर्क होता है, अनुमान काल्पनिक होता है, जबकि परिणाम तथ्यों एवं फैक्ट सत्य पर आधारित होता है। 4 जून को परिणाम चौंकाने वाले आ रहे हैं। ये जो एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल मुख्य रूप से प्रबंधित एवं अभिलेखित है। देखिए, एग्जिट पोल चाहे जो भी आए, लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, बिहार की जनता ने तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर विश्वास किया, देश की जनता ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर विश्वास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस भाषा का इस्तेमाल किए और जिस तरह से उनकी बेचैनी और बौखलाहट देखने को मिली, यह स्पष्ट करता है कि इंडिया गठबंधन इस बार बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बिहार में एग्जिट पोल ने भाजपा के दावों पर मुहर लगा दी। देश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है। बिहार में महागठबंधन के सारे दावे फुस्सो हो गए। एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए गठबंधन को 6-9 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अलग है। और यह तय है कि बिहार में एनडीए गठबंधन शून्य पर आउट होगा। लालू जी की दोनों बेटियों की करारी हार तय है। हार के बाद तेजस्वी को अपने मित्र के साथ मछली और मटन पार्टी का भरपूर अवसर मिलेगा। इस लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 400 पार का जो लक्ष्य रखा था, हम उस लक्ष्य के करीब पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। विभिन्न मीडिया चैनलों पर दिखाए जा रहे एग्जिट पोल में एनडीए को पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार भी दिखाया जा रहा है। यह मेरा अनुमान और एनडीए नेताओं के जो कार्यशैली रही है उसके मुताबिक बिल्कुल सही है। वही बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, 4 तारीख को सब कुछ साफ हो जाएगा और विपक्ष की सारी खटाखट और फटाफट धरी की धरी रह जाएगी। साथ ही एनडीए की जीत का दावा करते हुए कहा, आज सभी एजेंसियों ने एनडीए गठबंधन को 400 के आसपास की बढ़त बताई है और यह सिर्फ मोदी की गारंटी का ही परिणाम है। तो देखिए, गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा है कि सारी खटाखट और फटाफट जो है वो धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि विपक्ष राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, लगातार फटाफट खटाखट का जिक्र करते रहे और इस पर बड़ा निशाना गिरिराज सिंह ने साधा है। फटाफट को खटाखट भेज दिया, जो लोग कहते थे खटाखट फटाफट, सब खटाखट फटाफट सबकी आवाजें अब बंद हो गई। जो कहते थे मैं लिख रहा हूं मोदी नहीं रहेंगे 4 तारीख को, मोदी से नफरत, देश के विकास को नकारना, देश की विश्वसनीयता को नकारना, ये दिखाता है। और मैं समझता हूं कि अब रिजल्ट 4 तारीख को आने वाली है, सारे सर्वे यही है 400 के पार। तो एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिल रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। देश में इंडिया अलायंस को 295 से ज्यादा सीट आएगी, जबकि बिहार में कम से कम 25 सीट पर जीत का उन्होंने दावा किया है। तेजस्वी ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई के दर्द के आगे मेरा कमर का दर्द कुछ भी नहीं है और वे लड़ते रहेंगे। आपने धुआंधार चुनाव प्रचार किया, हेल्थ इश्यूज थे फिर भी आप डटे रहे, क्या नंबर्स है? जो बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई का जो दर्द है, उस दर्द के आगे ये कुछ नहीं है। और जब संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र खत्म करने की बात आ गई तो तेजस्वी बैठने वाला नहीं है, लड़ाई लड़ेगा। और जो जनता का जो मिजाज है,
हम शुरू से कहते रहे बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा, ता का जो मिजाज था उसको हम लोगों ने जाना और 295 मिनिमम इंडिया अलायंस रहेगी। लेकिन बिहार से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं इंडिया को, कितना नंबर आप देते हैं तेजस्वी? मत से बिहार में जो है 20-25 सीटों से कम हम नहीं आएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद तेजस्वी यादव, कैमरा पर्सन निजाम के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने विरोधियों पर निशाना साधा है। एग्जिट पोल को लेकर मंत्री ने कहा कि विपक्ष का यही काम है, एग्जिट पोल एग्जिट पोल नहीं होता, तो ये चैनल वाले भी कह रहे हैं अनुमान हमेशा सच्चाई में बदलता है। विपक्ष 4 जून को ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेगी। अरे भाई, विपक्ष का तो यही काम है, अब हार रहे हैं तो कर रहे हैं कि एग्जिट पोल खराब है। सही बात है कि एग्जिट पोल नहीं है, वो तो टीवी वाला भी कह रहा है, चैनल वाला भी कह रहा है, एक अनुमान है। लेकिन अनुमान हमेशा हम लोग देखते आए हैं, अनुमान सच्चाई में बदलता है, और इस बार भी 400 के पार होगा और जो एग्जिट पोल आया है वो सही साबित होगा। और अभी नहीं, अभी तो जब रिजल्ट आएगा 4 तारीख को तो विपक्ष आप कहेगा कि ईवीएम खराब है। बढ़ते आगे, और इस बीच पटना से बड़ी खबर है जहां नीतीश कुमार आज दिल्ली रवाना होने वाले हैं। राजनीतिक हलचल के बीच नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। चुनाव परिणाम से पहले नीतीश कुमार का यह दिल्ली दौरा है। सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो देखिए, चुनाव परिणाम अब सामने आने वाला है, दिन काफी कम है और ऐसे में नीतीश कुमार का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक हलचल के बीच नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जाकर के मुलाकात भी बीजेपी के नेताओं से करेंगे। सूत्रों के हवाले से इस बीच बड़ी खबर है जहां 20 जून से 25 जून के बीच सक्षमता 2 परीक्षा होगी। परीक्षा में 85,000 नियोजित शिक्षक शामिल होंगे। आचार संहिता की वजह से परीक्षा में देरी हुई, लेकिन अब इसकी तिथि भी अब सामने आ गई है। स्टेट की परीक्षा के तुरंत बाद सक्षमता परीक्षा होगी। 19 जून तक के स्टेट पेपर 2 की परीक्षा होगी। 10 जून से पहले बिहार बोर्ड इसका शेड्यूल जारी कर देगा। राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए ये सक्षमता परीक्षा आयोजित की जानी है। ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की इसी सप्ताह सूची तैयार हो जाएगी, जो सूत्रों से खबर सामने आ रही है। बेस्ट चॉइस के लिए कई शिक्षक दोबारा परीक्षा देंगे। पास होने के बाद भी कई को फर्स्ट चॉइस नहीं मिला और ऐसे में माना यह जा रहा है कि बेस्ट चॉइस के लिए कई शिक्षक दोबारा भी परीक्षा देने वाले हैं। और न्यूज 18 संवाददाता रशनीश हमारे साथ जुड़े रहे हैं। रशनीश, से क्या अपडेट है एग्जाम शेड्यूल को लेकर? बिल्कुल, देखिए, राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी, जिसको लेकर सक्षमता 1 परीक्षा पहले ले ली गई थी, जिसमें कुल 1,87,000 शिक्षक पास हुए थे। लेकिन अब जो है सक्षमता 2 के फॉर्म भरे जा चुके हैं, परीक्षा का इंतजार हो रहा है। एक बार बीएससीबी ने परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया था, किसी कारणवश उसे स्थगित कर दिया गया। फिर से जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आचार संहिता के बाद, यानी एसटीईटी परीक्षा खत्म होने के बाद 19 जून के बाद जो है बीएससीबी सक्षमता 2 परीक्षा भी आयोजित करेगा। यानी जो डेट अभी खबर आ रही है टेंटेटिव, वो है 20 से 25 जून के बीच में जो है सक्षमता 2 परीक्षा होगी। बिल्कुल रशनीश, तो एग्जाम का जो शेड्यूल है वो भी अब सामने आ रहा है और चीजें जो है वो खुल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।